So what's up guys, welcome back to my channel. मेरा नाम है रोहन कुलकर्णी. आज का मॉर्निंग वेट था मेरा 87.7. आज का मॉर्निंग वेट फास्टेड. मैंने बहुत टाइम से मेरा वेट नहीं चेक किया है. लास्ट टाइम मैंने चेक किया था मैं 83 था, अभी मैं 87 हो गया हूँ. सो आई फील लाइक दिस इज माई पीक बल्क. अभी इट्स टाइम टू एंड द बल्क एंड गो इन टू अ कट. आई एम गोना स्टार्ट ईटिंग इन अ डेफिसिट नाउ. मैं बहुत ही कैलकुलेटेड वे में आने वाला हूँ. नॉट दैट मैं सरप्लस में भी कुछ भी खाता था. मैं एक हाई प्रोटीन डाइट ही खाता था. आई शुड वॉच एवरीथिंग आई एट. कंसिस्टेंटली 2600 कैलोरीज खाता था मैं हर दिन. ऑफकोर्स संडेज पे एक हायर कैलोरी डे. और तो मोटा तो नहीं लग रहा हूँ मैं. आई मीन या आई कुड डेफिनेटली नाउ स्टार्ट कटिंग एंड सी सम काइंड ऑफ मसल डेफिनेशन, बिकम अ बेटर वर्जन. सो या आई फील लाइक दिस इज विल बी माई पीक बल्क. अभी मेरा बल्क मैं एंड ही करूँगा. ऑफकोर्स स्ट्रेंथ तो नीचे ही जाएगा, बट दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस. एंड नाउ डेज आई फील लाइक मुझे नंबर्स और स्ट्रेंथ के मामले में फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे सिर्फ मेरे टारगेट मसल को हिट करना है. इवन दो आई हिट इट विद 45 kgs या 35 kgs, आई फील लाइक विच एवर वेट मुझे एक बेटर कनेक्शन देता है, आई विल गो विद दैट. स्ट्रेंथ का फैक्टर मैंने एक्स आउट ही कर दिया है मन से. आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन ट्रेनिंग, बी अ प्योर बॉडी बिल्डर फॉर नाउ. तो आई गेस गाइस आज मेरा पहला दिन है कट का, एंड दिस विल बी माई डॉक्यूमेंटेशन ऑफ माई कट. तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड. आई थिंक आई वांट टू एंड माई कट एट अबाउट 80 kgs, क्योंकि मुझे 75 करना था, बट आई फील लाइक वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट टू लूज अ लॉट ऑफ मसल ड्यूरिंग दिस कट. ऑलमोस्ट मेरा एवरी मसल आई पुट ऑन इन दिस बल्क या सरप्लस मुझे रखना है. प्लान इज कि मैं बहुत ही स्लोली कट करूँगा. स्टार्टिंग में 400 कैलोरी डेफिसिट में खाऊँगा. तो मैं जैसे मैंने आपको बोला कि मैं 2600 कैलोरीज खाता था डेली विदाउट फेल, एंड संडेज को थोड़ा ईजी गोइंग. नाउ आई एम गोना स्टार्ट ईटिंग एट 2200 कैलोरीज. प्रोटीन्स में सेम रखूँगा अबाउट 200 grams. कार्ब्स भी ज़्यादा रिड्यूस नहीं करूँगा. आई विल जस्ट डू सम एक्स्ट्रा कार्डियो, क्योंकि अगर मैंने लास्ट टाइम जब मैंने कट किया था, बट मैंने बहुत हाफ एस्ट कट था. मैंने सिर्फ प्रॉब्ली लाइक एक महीने के लिए किया था टाइम पास. बट उस टाइम मुझे याद है मैंने 150 grams कार्ब्स किया था, बट मुझे मेरे पम्प्स लाइक थे ही नहीं. इट वॉज जस्ट नॉन एग्जिस्टेंट. आई डोंट थिंक माई बॉडी फंक्शंस वेल ऑन लो कार्ब. तो इसलिए शायद से मैं एक अराउंड 200 grams ऑफ कार्ब्स खाऊंगा. फैट्स अराउंड 60 या 70 रखूंगा. अगला वीडियो मेरा एक फुल डे ऑफ ईटिंग रहेगा, एंड आई विल शो यू ऑल हाउ आई ईट. अगर आप एक ओल्ड व्यूअर हो मेरे चैनल के, तो आपको मालूम है कि मैं हर दिन सेम चीज़ नहीं खाता. जो भी मॉम बनाती है मैं खाता हूँ, बट आई वे एवरीथिंग, आई ईट इट. मेरी फैमिली एक फिटनेस फैमिली है, और जो भी मील्स बनाते हैं इट जस्ट कीटर्स टू माई फिटनेस गोल. तो इसलिए वो डिपार्टमेंट में मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो या आई एम गोना टेक दिस कट प्रीटी सीरियसली. मैं ये प्रॉब्ली 4 महीने के लिए करूँगा, प्लान है वो. और सी हाउ आई लुक. आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने बहुत ही मसल पुट ऑन किया है. बहुत ही मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल तो पुट ऑन ही किया है मैंने. आई हैव टेकन दिस सरप्लस सीरियसली, और मैं ये डेफिसिट भी सीरियसली लूँगा. आज एक बैक एंड ट्राइसेप वर्कआउट है. ऑफकोर्स गौतम भी आने वाला है, हम दोनों साथ में ही ट्रेन करते हैं आजकल. तो एक्साइटेड टू शो यू ऑल. आज मैं शायद से एक मॉन्टाज रखूँगा, नॉट रॉ. मुझे लगता है कि रॉ थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो जाता है. आई लाइक रॉ वीडियोज बेटर, बट आज मुझे एक मॉन्टाज वाला फीलिंग आ रहा है. तो आई जस्ट वांट टू शो यू ऑल आई मीन व्हाट आई डू, बट एक मॉन्टाज टाइप ऑफ वे में. गाइस एक प्रो टिप, अगर आपको जिम में ज़्यादा बेटर पम्प चाहिए तो बाय अ बॉटल लाइक दिस. ये बॉटल बेसिकली 2.5 लीटर का बॉटल है. बिफोर योर वर्कआउट आपको हाइड्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है. मैं ये बॉटल एटलीस्ट दिन में तो 2 बार ख़त्म करता हूँ. जिम के पहले 2 लीटर 2.5 लीटर्स, जिम के ड्यूरिंग बेसिकली 2.5 लीटर्स, तो बेसिकली 5 लीटर दिन में. अभी भी मैं मेरा पीसी का प्ले और 318 का शेक पी रहा हूँ. ये मेरा प्री वर्कआउट ड्रिंक है. बेसिकली मैं प्री वर्कआउट पे ट्रेन नहीं करता आजकल, मैं सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ. एंड आई ट्रेन आजकल आई डोंट नो, मैं मेरा प्री वर्कआउट पे डिपेंडेंसी निकल गया. अभी मुझे लगता था कि पहले मैं प्री वर्कआउट पे बहुत ही डिपेंडेंट था. हर वर्कआउट के पहले मुझे प्री वर्कआउट का स्कूप चाहिए था, बट नाउ आई फील लाइक आई जस्ट गॉट ऑफ इट, और मुझे वो तलब नहीं आता अभी प्री वर्कआउट का. एंड आई एम गुड विद ब्लैक कॉफ़ी. तो इसमें सिर्फ BCAA का एक स्कूप है और 6 grams ऑफ क्रिएटिन. या विद दैट सेड लेट्स गो टू द जिम. Oh,
गाइस आज मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ कि आज का वर्कआउट बहुत ही मस्त था। आई वुड से 10/10 पंप भी बहुत मस्त था। इवन द ट्राइसेप पंप वाज क्रेजी। एक्चुअली मैंने ट्राइसेप कल भी ट्रेन किया था, आज भी ट्रेन किया। थैंक गॉड दे वरंट सोर, सो दैट आई कुड ट्रेन देम अगेन टुडे। करंटली आई एम हैविंग माय ओट्स, 80 ग्राम्स ओट्स और 2 स्कूप्स ऑफ वे विद चिया सीड्स। मैंने एक्चुअली ओवरनाइट ओट्स जिम के पहले बना दिए थे, बिकॉज यू हैव टू कीप देम इन द फ्रिज फॉर लाइक 3-4 आवर्स। तो इसलिए मैंने 2:30 को बनाया और मैंने फ्रिज में रखा और अभी मैं खाने वाला हूँ। तो मैं पोस्ट वर्कआउट मी ऑल्सो वन मोर अपडेट कि मैं अभी 15,000 स्टेप्स चलने को ट्राई करूंगा। आई फील आई एम गेटिंग बोर्ड विद द ट्रेडमिल दो, तो मैं से सोसाइटी में नीचे आई विल जस्ट वॉक अप एंड डाउन। तो हाँ वो मेरा कार्डियो रहेगा। या नथिंग मच एक्चुअली। ही इज सो नाइस ब्रो। बाप से क्या मार खाता है? डेली लाइफ को क्या बचपन का यार डेली लाइफ का मस्त वीडियो बना रहा हूँ। गाड़ी वाड़ी घुमाता किधर भी सच्चे में सब वही सब के झगड़े करता। मैं कितना मार खाया हूँ भाई। सेम भाई। क्या क्या तू चीज वो किचन में जा। चाकू के अलावा मैं सब चीजों से मार खाया हूँ, बाकी सब चीजों से। मैं चप्पल वो चटका सब कुछ चटका झाड़ू चटका सब झाड़ू चप्पल झाड़ू से भी मार खाया। चप्पल तो हमारी बेलन से कभी मार खाया। बेलन से बहुत। मेरी मॉम ना एक बार उस स्टोव में ये रखी थी। हां मैं बोलूं चटका चटका। हां रुक भी दिया। अरे ब्रो चीज पुट इट ऑन द फकिंग तवा। ओके ऐसा आता था डायरेक्ट भाई। वो कुकर के साथ एक किया एक बार किया वो कुकर में जाके मारने वाली। माय ब्रदर एंड मी आर फाइटिंग ओवर माय डैड। कैसे ना ना क्या रहेगा। आई वांट माय लंच राइट नाउ। आई एम You gave me, I want steamed jeera rice, not steamed rice. What is this? Mama, I was MasterChef Australia. This is not real food. It's such a... Give me real food. My dad said that. Stop it. What are you doing? It's true. You're going to ask me like that. I'll tell you. I'll tell you. I'll tell you. I wanted to back answer me once, bro. मैं उसको कुछ भी सब चीजें दूंगा लेकिन आई एम गोना रीज़न एग्जैक्टली माय पेरेंट्स रेस मी। नो ऐसे यू हैव टू थोड़ा सा चेंजेस। मैं और सिंगल मैं ज्यादा सिंगल हूं। हां मेरे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स अच्छे थे रे बहुत अच्छे थे। मैं अपने लिए बोलता फोन चाहिए। हां मैं बोला मां चाहता तो फोन घंटा मिलने वाला थे। मैं जो भी पूछता था मेरे को मिलता था। उसको बोला तू किडनैप हो तू किडनैपर के फोन से मेरे को कॉल कर मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। फोन चाहिए जो 10 किलोमीटर भाग के आ पहले फोन देना थिंक अबाउट। फोन नहीं देता लेकिन सोशल मीडिया में मत जा। नहीं 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 वो हो जाएगा। हम लोग ऐसे नहीं करेंगे भाई। क्या बजा है रे तेरे फोन पे? क्या हरियाणा बोलते हरियाणा बोलता है हरियाणा बोलते लगा आंडू पांडू आंडू आंडू तो ये पबजी पे स्टार्टर्स के था आंडू। नहीं मैं पांडू हूँ। तू आंडू है तू गांडू है। गांडू गांडू पांडू हम जी जाओ। हम लोग 20 साल के कैसे हैं? तू 21 का है। आ मजा आता था।